कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार ने अब निजी हमले की शक्ल ले ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को बेंगलुरु में कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की फिराक में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के चहेते चित्तपुर के एक नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने को लेकर बयान दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए साजिश के स्तर पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक दलित परिवार में जन्म लेने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पचा नहीं पा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया है। बीजेपी नेता ने खड़गे की मौत की कामना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हताश हो गई है और यह हताशा अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खड़गे पर बीजेपी नेताओं के हमलों को कर्नाटक के निवासी हर नागरिक के सम्मान पर जीवन पर हमला बताया है पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक पुलिस को भी घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि इसे लेकर सीएम बोम्मई कर्नाटक पुलिस और चुनाव आयोग सभी मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, VGTV भारत।